सतनाम वाहे गुरु की खालसा वाहे गुरु की फतेह। संतो सर दे दिए क्या सर, हम लोग चालू करें क्या? करो करो बोला है ना आपको। अच्छा तो आज हम लोग गुरु बाबा घासीदास जी के 42 अमृत वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए संतो गुरुओं महात्माओं को नमन करते हुए और वॉइस ऑफ मानवता चैनल को धन्यवाद करते हुए मैं आज के 42 वाणियों में 20वां एक गुरु बाबा घासीदास जी की अमृत वाणी है, एक दुआ मारे तेनो तोर बराबर आए, अर्थात एक गर्भ का शिशु भी तुम्हारे सम्मान है। परम पूज्य गुरु घासीदास जी ने अपने व्यवहारिक जीवन में पाया सभी जीवों में सच्चा प्रेम समाहित रहता है। प्रेम जीव की सहज प्रवृत्ति है। संसार का कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। प्रेम दुनिया के सब जीव करते हैं। कोई बेटे बेटियों से प्रेम करता है, कोई धन दौलत से प्रेम करता है, कोई कौम मजहबों मुल्कों धर्म की मान बढ़ाई से प्रेम करता है, लेकिन ये नाश्वर पदार्थ और रिश्ते नाते हमारे प्यार के काबिल नहीं है। केवल वह अमर अविनाशी और पूर्ण सत्पुरुष ही हमारे प्रेम का सच्चा आधार हो सकता है। गुरु घासीदास जी ने प्रेम गर्भवती माता बहन बेटी के पेट में पलने वाले शिशु अर्थात भ्रूण के साथ भी प्रेम करने की नसीहत दिया है। परिवार व सामाजिक कार्य जहां सामूहिक प्रसादी या भोज में गर्भवती महिला की सम्मान करते हुए उनके हिस्से के अलावा एक और प्रसाद या कलेवा आदि का प्रावधान किया है। इस तरह की महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान किया जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में उपयोगी पशु का भी प्रेम करने की नसीहत देते हैं। खेती में काम आने वाले बैलों भैंसों को विशेष ध्यान या ख्याल रखा जाता है। दोपहर में हल न चलाने की हिदायत देते थे। मुरी गाय के दूध नहीं पीने की मनाही करते, क्योंकि मुरी अर्थात उनका बच्चा मर गया हो तो दूध नहीं निकालने की सलाह देते रहे। गाय अपने बच्चे की दुखी और उससे दूध निकालना और दुखी करना होता है। उनसे प्रेम प्यार बनाए रखना हम सभी चेतनशील प्राणी का विशेष योगदान बना रहता है। मानव प्रेम का सच्चा आधार होता है। संत मत में भी प्रेम की अपार महिमा की गई है। गुरुमत या संत मत को प्रेम मार्ग भक्ति मार्ग या प्रेम भक्ति मार्ग भी कहा जाता है। कुछ लोग परमार्थ में उन्नति के लिए कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग और त्याग मार्ग आदि पर बल देते हैं, लेकिन संत मत में केवल प्रेम की ही बढ़ाई है। भक्ति मार्ग को अपनाने वाले संत महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी, सेवक स्वामी, पुत्र माता, पुत्र पिता आदि के संबंध द्वारा प्रकट करने का प्रयास किया है। उन्होंने मछली पानी, पपीहा स्वाति बूंद, चकोर चांद, पतंगा दीपक, भवर फूल, हिरण नाद आदि के प्रति के उदाहरण देकर कुदरती प्रेम पर प्रकाश डाला है। इस तरह से गुरु घासीदास जी ने प्रेम को बहुत महत्वपूर्ण बातें संत महात्मा भी हमारे समझाते हैं कि प्रेम के रिश्ते में बनावट या यत्न नहीं होता। आत्मा परमात्मा में प्रेम का सह संबंध है।
हम जिसे प्रेम करते हैं उस पर अपना अपन कुर्बान कर देते हैं। प्रेमी अपने प्रीतम का रूप हो जाता है और ऐसा चाहता है, उसमें अभेद ना हो जाना चाहता है। प्रेम में मैं मेरी समाप्त हो जाती है और तू ही तू अवस्था पैदा हो जाती। कबीर साहिब फरमाते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दूना समाही। अर्थात कबीर दास जी ने एक बहुत ही सच्चा उदाहरण देकर कहा है, अगर पानी का एक बूंद समुद्र में मिला दिया जाए तो वह पानी का बूंद नहीं कहलाएगा, वह समुद्र का बूंद कहलाता है। इसी तरह से प्रेम जो करने वाले होते हैं आत्मा परमात्मा या जिससे भी प्रेम करते हैं वह एक ही रूप हो जाते हैं। प्रेम का अर्थ वह प्रबल आकर्षण है जिस पर अपना वश नहीं चलता। संत महात्माओं को उपदेश का दो शब्दों में सार यह है कि संसार का प्रेम आत्मा को संसार में बांध कर रखता है और परमात्मा अर्थात सत्पुरुष का प्रेम इसे संसार के प्रेम से मुक्त करके परमात्मा यानी सत्पुरुष से मिला देता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, मन रे क्यों छूट ही बिना प्यार, सत्पुरुष के प्रबल प्रेम के बिना दूसरा कोई चीज आत्मा को संसार की मोह शक्ति जंजीरों से नहीं जोड़ सकता। प्रेम मार्ग में मानो यानी सत्पुरुष प्रेम के द्वारा संसार की दलदल से निकालने का प्रयत्न करते हैं। भक्ति या प्रेम वह अलौकिक रस या आनंद है जो आत्मा को हर दूसरी चीज से निकालकर स्वाभाविक ही प्रभु रूपी या सतनाम रूपी सत्पुरुष रूपी प्रीतम पर केंद्रित कर देता है। हर प्रकार के जब तक सिमरन और ध्यान का उद्देश्य मन और आत्मा को एकाग्र करना है। प्रेम में यह कार्य सहज रूप में हो जाता है। इसी तरह से संत चरण दास जी कहते हैं, प्रेम लता जब लहरे मन बिना जोग ना ठहरे। जब तब पूजा पाठ तीर्थ व्रत संयम कर्म धर्म आदि हर प्रकार के साधन बाहर मुखी है। प्रेम ऐसी अंतर्मुखी लगन है जिसे मन सहज ही वश में आ जाता है। प्रेमी अपने ख्याल को हर तरफ से हटाकर प्रीतम में लीन कर देता है। वह प्रेम में मस्त होकर एक मन एक चित्त हो जाता है और अद्वैत से एकता में आ जाता है। आत्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट हौम अहम की है। अहम के रोग की सबसे उत्तम औषधि है प्रेम। प्रेम का आधार ही अपने आप को प्यार करने के स्थान पर प्रीतम से प्यार करना है। जब तक पूजा पाठ ज्ञान ध्यान हर प्रकार के कर्म अहम में वृद्धि करते हैं, परंतु प्रेमी अपने आप प्रीतम पर निछावर कर देता है और प्रीतम में लीन होकर प्रीतम का ही रूप हो जाता है। इस तरह से गुरु घासीदास जी बोलते हैं, सभी जीवों के साथ प्रेम करना चाहिए। प्रेम का कितना व्यवहार है वो जानकारी दिया है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आगे जांगड़े जी को देता हूँ, अपनी विचार व्यक्त करेंगे। जांगड़े जी। जी 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 हाँ सर, सबको सतनाम। आज का विषय है बाबा गुरु घासीदास का जो 21वां एपिसोड है उसका मुख्य बिंदु है कि चाहे जीव जंतु हो चाहे मानव हो, उन पर एक पक्ष, जैसे महीने में दो पक्ष होता है, एक पक्ष कृष्ण पक्ष एक पक्ष शुक्ल पक्ष,
तो किसी भी पक्ष का, एक पक्ष का भी अगर माता के गर्भ ठहर जाता है, उनकी कैसा सुरक्षा करें, उनको कैसे गर्भपाल की संरचना करने में हम मानव समाज सपोर्ट करें, उनकी सहयोग करें, इस पर बाबा गुरु घासीदास का डिबेट है, जो आने वाली पीढ़ी को, आने वाले हर जीव जंतु मानव की पीढ़ी को उजागर करता है, सुरक्षित करता है। इस पर उन बाबा गुरु घासीदास का सोच था, उसको इस अमृतवाणी पर लिखित किया गया है। उस अमृतवाणी को आज हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के 42 सिद्धांत, सात वाणी, सात सिद्धांत, 42 वाणी को आज जन जन तक प्रसारित किया जा रहा है। हम तो यह वॉइस ऑफ मानवता चैनल का पूरा, हम और पूरे समाज, हम लोग तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। तो सबको जय सतराम। बाबा गुरु घासीदास का चिंतन था कि एक पक्ष, दो पक्ष, चाहे शुक्ल पक्ष हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो, अधेला हो चाहे उजाला, अगर 15 दिन भी अगर माता के गर्भ में अगर हंसा ठहर जाता है, तो उनको हमें कैसे पालन पोषण भरण करना है। जिस बात को बाबा गुरु घासीदास ने 250 साल पहले कहा, मानव संस्कृति, मानव सभ्यता को उन्होंने सुरक्षित करने के लिए, उस बात को, बाबा गुरु घासीदास के सिद्धांत को आज सरकार है जो लागू किया है, और लागू करने के बाद बाबा गुरु घासीदास के 250 साल की बात को आज हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार है जो, जैसे गर्भवती माताओं को कैसे उनके बच्चों को पालना है, उनको क्या चीज खिलाना है जिससे बच्चा, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे, तो ये बात आज सरकार है जो उनकी अनुसरण किया। तो हमारा बाबा गुरु घासीदास का जो चिंतन था मानव समाज के लिए, मानव पीढ़ी के लिए, वो कितना एक ऐतिहासिक है, जिसको आज सरकार चला रहा है और उस पर हमारा आज का डिबेट हो रहा है। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि यह जैसे किसी भी नदी नाला का पानी समुद्र में जाकर के विलीन हो जाता है और समुद्र का पानी कहलाता है, अपना पहचान खो देता है, उसी प्रकार यह मानव का, हर प्राणी का हंसा है जो परमपिता सतनाम का अंश है, आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, उनसे कभी अलग मत मानो, किसी से भेदभाव मत करो, किसी से अप्रशिक्षिता, छुआछूत का भावना मत रखो, एक दूसरे से प्रेम करो, सहानुभूति करो, दुख सुख में सहभागी बनो, इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा। और विशेष करके सतनामी समाज में उन्होंने ऐसा नियम लागू किया, ऐसा संस्कृति का निर्माण किया, कहा कि जिसको बैना संस्कृति कहते हैं। तो जब हम लोग सार्वजनिक रूप से सतनामी समाज, जब मृत्यु भोज, चाहे विवाह कार्यक्रम हो, सुख में दुख में, जब हम लोग भोजन के लिए बैठते हैं, तो उसमें बोलते हैं हमारे भंडारी साटीदार के माध्यम से, किसी माता का अगर बैना है, बैना संस्कृति बोलते हैं, बैना मतलब होता है गर्भ में बच्चा है, उनका भी बाटा ले सकते हो, क्योंकि उसमें दो जीव को पाल रहा है वो माता है, जो अपना खुद का जीव और पेट में बच्चा पड़ रहा है, तो पेट में बच्चा पड़ रहा है उनका भी हिस्सा दिया जाए, जैसे दो लड्डू है, दो पूड़ी है, तो उनको चार लड्डू चार पूड़ी दिया जाए, ताकि वह बच्चा बढ़े। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास का यह संस्कृति आज भी सतनामी समाज में व्याप्त है, और सतनामी समाज का एक विभिन्न यह संस्कृति है जो अंग है, और यह संस्कार संस्कृति चलता है, जिसको आज सरकार ने अपनाया बच्चों को पढ़ने बढ़ने के लिए, माता को मुख्य आहार के रूप में। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास का यह सोच था। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि ये जीव का निर्माण, आत्मा देह का निर्माण कितना होता है मुश्किल से, किसकी कृपा से होता है, इनको उन्होंने बाबा जी ने समझाया।
सत पुरुष तब आई के अमर गिरा करे बात और मानव के विस्तार में मत करना पक्षपात। बाबा गुरु घासी दास ने कहा हे मानव, जब परम पिता सतनाम ने इस जहान में मानव शरीर का को बनाया तो प्रथम माता पिता जो आमिर था सतनाम दास था उनको उन्होंने सौंपा और कहा कि मनुष्य के निर्माण में कभी भेदभाव मत करना। इसीलिए हर मानव में दो आंख है, दो कान है, दो नाक है, सभी मानव में नौ दरवाजे हैं और सभी में पांच तत्व है, तो किसी भी प्रकार से भेदभाव मत करना। दो पैर है, दो हाथ है, तो इस प्रकार से सतनाम परम पिता ने इस मानव शरीर का रचना किया। पाठ पिंडली दो जोड़ी खंभा अधर ज्योत जलाइए और संसार सब जीव तार में सतनाम अंश गुण गाइए। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मानव समाज की रचना करते समय कहा कि इस मानव समाज पर किसी भी का मतलब एक भक्ति भाव जोड़ा जैक खाम को सुमर करके इस मानव निर्माण को आगे बढ़ावा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा आदि बात को बाबा जी ने कहा हम तुमको सौपत यह भारा सत नाम कर करू प्रचार और समय समय पर तुम्हें ज्ञान बताऊ जीव चेतन प्रकाश धरा हूं। आमिन सत्संग मिलहु संगा सत भक्ति सत करो चंगा सत नाम सुमरन तुम करहु सदा सुख जीवन लहरू। प्रात क्रिया करके जपाओ सत नामा और सत नाम भजन और दूजे न कामा। इस प्रकार से जब सृष्टि कर विस्तार परम पिता सतनाम ने किया तो जो माता पिता प्रथम सृष्टि का हुआ उनको इस प्रकार से बातें सौंपा और कहा कि जोड़ा जेत खाम गड़ा करके के जोत जला करके इस मानव समाज की संस्कार संस्कृति को भक्तिमय बनाना और ताकि उसका कहना था कि ये जोड़ा जेत खाम के भक्ति सुमर करके हर आत्मा सतलोक से आवागमन करते रहे। कोई सतनाम के भजन से जोड़ा जेत खाम के भजन से ये मुक्ति का मार्ग है जो हंसा सतलोक से आना जाना करते रहे। इस प्रकार से इस सृष्टि के प्रथम माता पिता को जोड़ा जेत खाम का निशानी दिया और इस मानव समाज का रचना किया और कहा कि किसी भी प्रकार का लिंग भेद जातिवाद वर्ण व्यवस्था मत मानना। इस प्रकार के मानव मानव एक समान जीव जंतु का जीवों का आत्माओं का निर्माण किया ऐसा बाबा गुरु घासीदास कहते हैं। और बाबा गुरु घासीदास के कहने का मतलब यह है कि परम पिता सतनाम का बनाया हुआ हर मानव कभी जातिवाद की प्रचंड में प्रपंच में मत फंसना, एक दूसरों का सहायता करना। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को इस अनमोल वाणी को बोल करके उन्होंने समझाया। आगे बाबा गुरु घासीदास कहते हैं कौन मास में निर्मल नीरा कौन मास में पलटे खीरा कौन मास में थम थम गोला कौन मास में रक्त कर गोला कौन मास में पर्चा फूटे कौन मास में त्वचा बने और कौन मास में नाड़ी तार बने और कौन मास में कवल चीर जाए। बाबा गुरु घासीदास कहते हैं कि इतना कठिन से परम पिता सतनाम का कृपा है देन है जो हम इस मानव समाज का सृजन होता है। उन्होंने और कहा कौन मास में दरवाजा खुले और कौन मास में जन्म भय प्रथम मास में निर्मल नीरा और चार मास में रक्त कर गोला पांच मास में पर्चा फूटे छठे मास में त्वचा जुटे सात मास में नाड़ी बने आठ मास में कवल बने और नौ मास में दरवाजा खुले दस मास में जन्म लेवे। इतना बाबा गुरु घासीदास ने चिंतन करके मानव समाज की उत्पत्ति को उन्होंने और कितना दर्द पीड़ा होता है तब मानव समाज का जन्म होता है। तो बाबा गुरु घासीदास का कहने का मतलब है कि एक पक्ष हो चाहे एक महीना हो उनकी सेवा करो उस बच्चा का सुरक्षित करो।
इसी विवरण को उन्होंने कहा है कि एक मास में नील का रूप धारण करता है, चार मास में रक्त का गोला होता है, जी पड़ता है। तो सारी विवरण को क्योंकि विस्तार से समय कम है और संत बोलेंगे, तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव जन्म के उत्पत्ति को एक चिंतन करके मानव कल्याण समाज के भावी, मानव समाज के भावी के रूप में उन्होंने इसको प्रणीत किया। तो मैं संतों से निवेदन करता हूं, मानव समाज से निवेदन करता हूं कि बाबा गुरु घासीदास के अगर हम जीवन दर्शन उपदेश को हम प्रत्येक मानव मान ले तो पूरा मानव समाज में, विश्व में भाईचारा बंधुत्व का भावना जगेगा और एक दूसरे के प्रति सहायक बनेंगे, मानवतावादी जीवन जीवन यापन करेंगे, किसी मानव को मानव नहीं सताएंगे और मानव है जो एक दूसरे का सदैव सहयोगी बनेंगे और मानव समाज हमेशा अपने समान और जीवों को काफी सेवा करेंगे, अपना विभिन्न परिवार समझ करके और जीव जंतु का भी सेवा करेंगे। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास का सोच है कि यह मानव समाज क्योंकि चेतन है, दूसरे जीव जंतु नहीं समझ पाएंगे, तो मानव समाज को चेतन बनाते हुए इस चीज को परखाया, बाबा गुरु घासीदास ने समझाया और सतनाम का अलग जगह आकर के मानव समाज की उत्पत्ति को बाबा गुरु घासीदास ने इस अपने अमृत वाणी से समझाया है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे संत लोग विचार रखेंगे। सतनाम। अब मैं हमारे जांगड़े जी से निवेदन करता हूं कि अपना विचार रखेंगे, उसके बाद हमारा दीदी जी रखेंगे। हाँ पूरे साहब, सतनाम साहब, सतनाम। सभी को, मेरा नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ था इसलिए मैं नहीं जुड़ पाया था थोड़ा लेट में। आप सभी को बहुत स्वागत है। सतनाम। चलिए साहब, सतनाम सतनाम। संतो, आप लोगों ने जिस तरीके से आज हमारे समाज के लिए आपकी चैनल के माध्यम से संदेश दे रहे हैं सतनाम का, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस चैनल के माध्यम से जिस समाज को जरा सा भी, थोड़ा सा भी यदि संदेश मिले और अपने जीवन को अंगीकार कर लेते हैं तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। संतों, अभी जिस तरीके से आप लोगों ने अमृत बाड़ी की बात बोल रहे हैं बाबा गुरु घासीदास का, संतों अमृत बाड़ी बाबा गुरु घासीदास की 42 वाणी है और इस 42 वाणी पे हम कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ बातें पे हमें विशेष चर्चा करना अनिवार्य है। संतों, जिस तरीके से पुरुष पिता गुरु घासीदास बाबा ने प्रेम की भाषा, दया की भावना, करुणा की भावना जगाने की बात को बोल करके हमारे समाज के बीच में लाया, संतों जिस तरीके से जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, इस तरीके से सात्विक जीवन के बारे से पुरुष पिता गुरु घासीदास बाबा ने इस समाज को संदेश दिया। संतों, प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसे प्रेम की न कोई किसी प्रकार कीमत लगा सकते, न वह प्रेम न कोई हाट बाजार में बिकता नहीं। प्रेम एक ऐसा शब्द है, उस प्रेम जैसे तो कोई धन नहीं, न कोई पूंजी नहीं, न कोई संपत्ति नहीं, न कोई किसी प्रकार का अनमोल रत्न नहीं। प्रेम एक ऐसा अनमोल शब्द है, अनमोल वाणी है, जिस प्रेम के माध्यम से आप मानव समाज ही नहीं, इस मृत्युमंडल में चार योनि हैं, उन चारों योनि पे मानव समाज अपना प्रेम की भाषा से सभी को अंगीकार करके आपस में प्रेम और भाईचारा का बंधन और संदेश दे सकते हैं।
इस तरीके से सतपुरुष पिता गुरु घासीदास बाबा ने जो प्रेम शब्द की व्याख्या अनंत किए हैं, जैसे खायन वैसे हुए तन और मन संतों, हम यदि सात्विक जीवन जीते हैं तो स्वाभाविक है हमारा जो बोली वचन है, स्वाभाविक दृष्टिकोण से भी एक सरल स्वभाव उत्पन्न करता है, हमारे मन में किसी भी प्रकार का क्रोध उत्पत्ति नहीं होता, क्योंकि सात्विक जीवन सदा सत्य के मार्ग पर सच्चाई बोलने पर अच्छे कर्म करने के लिए मन को सदा प्रेरित करता है। इसीलिए सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने जो अमृत वाणी की जो बात आज चर्चा कर रहे हैं, चाहे यह समाज यदि एक एक वाणी को अगर अपने ऊपर यदि अपने शरीर में इस काया रूपी शरीर में इस शरीर रूपी काया में यदि आत्मसात कर लेते हैं तो संभवतः वह दिन दूर नहीं है जो यह मानव समाज का उज्जवल भविष्य बहुत ही जल्दी और उस मंजिल मुकाम पाने के लिए हम अग्रसर होंगे। संतों, जिस तरीके से बाबा गुरु घासीदास ने सतनाम का संदेश दिया, सतनाम एक ऐसा अनमोल वाणी है संतों, भक्ति मार्ग की ओर जाते हैं हम, यह धार्मिक दृष्टिकोण से यह आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन बाबा गुरु घासीदास ने हम अध्यात्म, जिस अध्यात्म पे आज आपका विज्ञान आधारित है, विज्ञान जब तक आपका सही रूप से प्रमाणित रूप से नहीं तौल पाता तब तक विज्ञान मानता नहीं, उसी प्रकार अध्यात्म ही एक ऐसा चीज है जो हमें अश्लीलता को, इस जीवन की मूलभूत ढांचा को, मूलभूत स्वरूप को परिलक्षित करके हमको हर एक सारे चीज को जागृत करता है और हमको साक्षात्कार करके हमको अध्यात्म अपने उस मुकाम तक पहुंचाता है जो मानव जीवन का अध्यात्म ही एक ऐसा मार्ग है। उस मार्ग के तहत हम इस मृत्यु मंडल में आते हैं और यदि हम अध्यात्म मार्ग पे अमल कर लेते हैं तो संभवतः हमारा आवागमन है जो उस मुकाम को पा जाते हैं तो संभवतः हमारा दोबारा आने का नहीं रहेगा अवसर, जिसको मोक्ष प्राप्ति बोलते हैं। तो यह एक कठिन मार्ग भी है और सरल मार्ग भी है संतो। आज इसीलिए यह समाज में हम अन्य समाज को तो नहीं, सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने मानव समाज को सभी के लिए और अपितु जड़ चेतन प्राणी उखमस अंडज पिंडस सबके लिए बोला है, लेकिन मानव प्राणी में सबसे ज्यादा आज की स्थिति में हम जो सतनामी समाज के लोग हैं, सतनाम पंथ के अनुयायी लोग हैं, ये हमारे लिए अनमोल धन है। दूसरी तरफ सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने एक तरफ सतनाम का आंदोलन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सतपुरुष पिता गुरु घासीदास का जिस समय आगमन हुआ या जन्म हुआ उस समय इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, इस मृत्यु मंडल पर मानव को मानव का दर्जा नहीं दिया जाता था। इस सारी स्थिति परिस्थिति को सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने जैसे बचपन से युवा वर्ग, युवावस्था, मध्यकाल और बुढ़ापे पे आए, जैसे ही उनकी युवावस्था है तो पुरुष पिता ने सोचा और समझा और बोले कि किस तरीके से मेरे मानव समाज के साथ में भेदभाव क्यों। सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने इसीलिए पाप और पुण्य की बात आता है, धर्म कर्म की बात आता है, तो जिस ग्रौदपुरी में जन्म लिए बाबा गुरु घासीदास, तो सभी समाज के लोग बोलते थे, मानव समाज के लोग, कि गुरु घासीदास ये जगन्नाथपुरी मां पापी के कुढ़ीला वो गंगा मैया बहा के ले गए नहीं और धर्मी के कुढ़ीला बहा के ले जाते हैं, इसी वाली बात को बाबा गुरु घासीदास के पास रखे। बाबा गुरु घासीदास, ये आध्यात्मिक बात है, बाबा गुरु घासीदास ने इस चीज को सोचा और समझा, अरे मेरे भाइयों,
ये ऐसी बात नहीं। यह किसी भी गंगा या किसी भी समुद्र या नदी के किनारे जाकर के जिस तरीके से आप बात को रख रहे हैं कि पापी के कुढ़ी ले जावाई नहीं और धर्मी के कुढ़ी ले जाते बोलता, चला मैं आप मतलब साक्षात्कार करके दिखा कि हकीकत में सत का है, इसला एला तुम मतलब साक्षात्कार मतलब सामने में दिखाऊं। तो उसी गिरौदपुरी से एक धर्मी और एक पापी कहिए, तो पापी वह व्यक्ति था उसके धान के गाड़ा में एक गैया दब करके मृत्यु हो गया था, उसको पापी मान लिया गया। और एक व्यक्ति प्रतिदिन धन धर्म का दान पुण्य करता था, उसको धर्मी माना। और दोनों को लेकर के बाबा गुरु घासिया जगन्नाथपुरी गए और वहां रहे, रात रुके, सुबह उसी गंगा घाट के किनारे समुद्र के किनारे लेकर के गए और दोनों को बोले कि भाई आप अलग अलग दूर दूर में कुढ़ीला पारा तुमन। बाबा गुरु घासीदास ने जब बोला और इस तरीके से पंडा भी उसके साथ चला गया, बाबा गुरु घासीदास ने सत को साक्षात्कार के दिखाया। तो जो समुद्र का जल है या वह निर्मल पानी है, जहां तक आएगा उतने ही को लेके जाएगा बहा करके, तो उसमें धर्मी का छूट गया, पापी का चला गया। कभी धर्मी का चला जाता था, पापी का छूट जाता था। तो समुद्र जल है, जितने दूर आएगा उसी को ना बहा के ले जाएगा। इस दोनों चीज को वहां पर बाबा गुरु घासीदास से साक्षात्कार करके दोनों को दिखाए। फिर पंडा जी को बोले कि क्यों पंडा भाई, आप हमारे लोगों को ये धर्म कर्म के जाल में फंसाकर बिना मतलब कि इनके साथ में आप धन का अपव्यय खर्चा करा करके धन लूटते हो। इतना सुन करके वह पंडा पुजारी बहुत ही क्रोधित रूप में होकर के वापस तो आ गए अपने घर को, लेकिन अपने समाज के बीच में वह शब्द रखे कि छत्तीसगढ़ के अंदर मध्य प्रदेश में, उस समय मध्य प्रदेश के अंतर्गत गिरौदपुरी धाम आता था, अब तो छत्तीसगढ़ राज हो चुका है, बोले कि सतनाम का लग जगाने के लिए उधर कोई ऐसा महापुरुष का जन्म हो गया है जिसने सतनाम का संदेश दे रहा है। पंडितों में खलबली मच गई। वह पंडित जगन्नाथपुरी में ही नहीं, उन लोगों ने वहां से बनारस चले आए और बात को बहुत बड़े उन लोग मीटिंग लेकर के बोले कि सतनाम का आंदोलन को कैसे रोका जाए, इस सतनामी समाज को कैसे हम सत के इनका अलग को हम कैसे रोकें। उस पंडा पुजारी लोगों ने मीटिंग लिए और मीटिंग लेकर के बहुत बृहद पैमाने पर मीटिंग बैठक हुआ बनारस के अंतर्गत और बोले कि इसको कैसे रोका जाए। फिर उन लोगों ने पंडित को बोले जिसका नाम मुकुंद नाम पंडित था और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बिलासपुर जिला में ग्राम चार पारा में ला करके हमारे सतनामी समाज के अधीन करके राम अधीन करके किसान था, गौबिया था, उसके आट में उसने आया और डेरा डाल दिया। और सतनामी समाज के जो सतनाम का आंदोलन बाबा गुरु घासिया सत का संदेश दे रहे थे उसमें उन्होंने ला करके मुकुंदनाम के पंडित ने यहां पर राम राम का संदेश दे दिया और समाज को दो फाड़ कर दिया गया। एक तरफ सतनाम के आंदोलन चला तो एक तरफ राम राम का जो रामनामी बना दिया गया समाज को। तो उसमें उस मुकुंदनाम का पंडित उसके आट में रहता था और रह करके राम राम बोलता था और उसको बोले कि मेरे को आज राम ये बोला करके उस किसान को भ्रमित करता था और बाबा गुरु घासीदास के आंदोलन को ही विघटन करने के लिए रोकने के लिए एक रामनामी समाज का निर्माण कर दिया गया। तो संतो सतनाम वह अमृतवाणी है, जिस सतनाम की अमृतवाणी से इस समाज का ही नहीं पूरे मानव समाज का ही नहीं पूरे विश्व में चारों युग का उज्जवल भविष्य निहित है। इसीलिए सतपुरे पिता गुरु घासीदास ने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा को दिया, शिक्षा को के प्रति में समाज को अग्रसर किए और समझाए कि मेरे भाइयों ये इस तरीके से हमको आज धर्म कर्म के नाम से अंधविश्वास में फंसा कर
हमारे साथ इन लोग अन्याय अत्याचार करते हैं। रूढ़िवादी को बाबा गुरु घासीदास ने उखाड़ कर फेंकने की कोशिश की और बाबा गुरु घासीदास के सतनाम के आंदोलन को दो फाड़ कर दिया गया। बाबा गुरु घासीदास उस समय देश आजाद नहीं हुआ था क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में उस समय सामंत शाहियों का राज था। जिस तरीके से जांगड़े जांगड़े सर, हाँ सर, समय का ध्यान दो, हाँ सर, समय का ध्यान दो, हाँ सर, समय का ध्यान दो, हाँ सर, हाँ सर, समय हाँ दिए जी। तो संतो इस तरीके से जो बातें हैं, इसीलिए अमृतवाणी की बात है, हम उसको कम समय में पूरा हम विस्तार से नहीं कर सकते। जिस तरीके से एक पुल से सृष्टि विस्तार है, इस धरती का विस्तार, इस सृष्टि का विस्तार एक पुल से है, उसी प्रकार एक दिल से यह काया रूपी शरीर का निर्माण है। संतो प्रेम की भाषा जो सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने हमें दिया, ये बहुत ही हमारे लिए अनमोल वाणी है। और मैं अपने शब्द को यहीं विराम देते हुए, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए, मैं समय को यहीं पर अपना वाणी को विराम करता हूँ। सभी संतों को सलाम, धन्यवाद साहेब, धन्यवाद। अगली वक्ता के रूप में कामनी पुरेना जी से चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखें। कामनी पुरेना जी, सतनाम जी। जी जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज की अमृतवाणी का विषय है एक ढुआ मारे तहु तोर बरोबर आए, अर्थात भ्रूण हत्या भी एक इंसान की हत्या के समान है। भ्रूण हत्या का मतलब है माँ की कोख में भ्रूण को निकाल फेंकना, गर्भावस्था में ही गर्भपात कराना, अर्थात गर्भ में ही शिशु की जीवन को समाप्त कर देना, उनकी हत्या कर देना ही भ्रूण हत्या कहलाता है। इस अवस्था में शिशु के शरीर में मन नहीं होता, केवल आत्मा होती है और समाधि की अवस्था में होती है। समाधि की अवस्था में होने के कारण आत्मा का प्रत्यक्ष संबंध परमात्मा के साथ होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष संबंध परमात्मा के साथ संबंध भी कह सकते हैं। भ्रूण हत्या के समय वह संबंध टूट जाता है, समाधि भंग हो जाता है, इसलिए अभिशाप के शक्ल ले लेता है, अंतर्मुख से बाहरी मुख सांसारिक हो जाता है और हत्या करवाने वाला पाप का अधिकारी अर्थात गलत काम का अधिकारी बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भ्रूण हत्या एक अपराध है जो प्राणी को ईश्वर से विमुक्त कर देता है, जो जीवन को मिटा देता है, इसलिए यह एक अपराध है। कई परिवारों में लड़की के जन्म पर रोक लगाने, लड़के के जन्म के लिए नई बहुओं पर परिवार के सदस्यों द्वारा जोर डाला जाता है और लिंग परीक्षण के माध्यम से पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि गर्भ में लड़की है या लड़का। यदि गर्भ में लड़की हुई तो उन्हें समाप्त कर दिया जाता है, गर्भपात करा दिया जाता है, यही भ्रूण हत्या कहलाती है। यह मानवता और विशेष रूप से समूची स्त्री जाति के लिए सबसे जघन्य अपराध है। बेटे की इच्छा, परिवार नियोजन, छोटे परिवार की संकल्पना, दहेज प्रथा ने ऐसी स्थिति को जन्म दिया है। इसलिए समाज के अगुआ लोग माँ के गर्भ में भी कन्या की हत्या करवाने का सबसे गंभीर अपराध करते हैं। इस तरह से के अनाचार ने मानव अधिकार, वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग और दुरुपयोग की नैतिकता और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को जन्म दिया है और इसी के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम देते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, कुछ सारे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियों के कारण। समाज में ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति भी होते हैं जो लड़कों के जन्म से उनको समाज द्वारा सम्मान प्राप्त होगा, चाहे फिर वह लड़का बड़ा होकर उनके अपमान का कारण ही क्यों न बने, और इन्हीं कारणों के कारण भ्रूण हत्या को अंजाम देते हैं। माता पिता की रक्षा करेगा, वंश आगे बढ़ाएगा, इन कारणों से भी लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। दहेज प्रथा के माध्यम से भारी कीमतें चुकानी पड़ेगी, बेटियों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी, आदि कारणों से भी भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। पुरुषवादी समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न होने के कारण भी ऐसा होता है। भारतीय परंपरा में मान्यता के अनुसार भी बुजुर्गों की इच्छा के कारण या अनियोजित
गर्भ आदि के कारणों से कन्या को गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है। ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि कल आपकी मृत्यु होगी ऐसा कहा जाए तो आपको कैसे लगेगा। जीवन के शाश्वत सत्य है मृत्यु। जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति का मौत का समय भी तय हो जाता है, पर मौत से डरता हर कोई है। सामान्य भाषा में किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी की जीवन की समाप्ति को ही मृत्यु कहते हैं, जो लालच लोभ मोह रोग कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी हार है क्योंकि यह जीवन का अंत है। जीवन इसके बाद समाप्त हो जाता है तो इससे बड़ी हार क्या होगी। इसलिए सबसे बड़ी हार है क्योंकि दूसरी हार के समय पर जीता भी जा सकता है या समय पर जीत में बदला जा सकता है, पर लेकिन मृत्यु के बाद तो समय ही नहीं है। मृत्यु स्वयं के साथ हो तो डर लगता है, पर हम एक भ्रूण एक शिशु की दीन तिथि निश्चित कर उन्हें जब तय कर देते हैं निश्चित कर देते हैं कि भ्रूण हत्या इस दिन किया जाएगा ऐसे करके, तो ऐसा करते समय हमारे जबान नहीं लड़खड़ाते और न ही हमारे हाथ कांपते हैं। तो मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा अपराध न कीजिए। उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि भ्रूण हत्या न मत कीजिए और जीवन बहुत सुंदर होता है, उन्हें भी जीने का अधिकार दीजिए क्योंकि ईश्वर ने उन्हें भी जीवन देकर अद्भुत उपहार दिया है। जीवन की मदद से ही अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। सहयोग लेके दूसरों को केयर करके उनको सहयोग अर्थात दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती है वो किसी चीज में भी नहीं मिलती है। हर कोई जिंदा दिली से भरपूर उत्साह खुशी के साथ जीवन जीना चाहता है। अपने अपने स्तर पर अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता है, इसलिए वह जीना चाहता है जो सिर्फ जीवन प्राप्त करके ही संभव हो सकता है। जीवन के बिना सभी समाप्त है। जीवन फूलों की शेष तो नहीं है पर कांटे भी होते हैं अर्थात दुख भी होते हैं, फिर भी जीना चाहता है अर्थात कष्ट सहकर भी हर मनुष्य इस संसार में जीना चाहता है। तो आप भ्रूण हत्या को अपराध, भ्रूण जैसे हत्या को अपराध न किया कीजिए, यही समाज से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ और इन्हीं के शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सादर नमन। जैसे जी बहुत शुक्रिया कामिनी पुराना जी, आपने आज के इस विषय को बहुत अच्छे से परिभाषित करने की कोशिश किया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजन बंजारे साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं आज की इस परिचर्चा को, मुझे भी नेटवर्क के कारण थोड़ा लेट में जुड़ना पड़ा है। मैं राजन बंजारे से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा को थोड़ी संक्षिप्तता में ले जाते हुए अपनी बात रखें। राजन बंजारे साहब सतनाम। सतनाम सर। गुरु घासीदास जी ने सभी जीवों पर प्रेम करने की बात जो कही है मैं पिछले कुछ जानकारियां दे चुका हूं और मैं आगे कहता हूं, प्रेम में समर्पण का स्वाभाविक गुण है। प्रेमी अपनी इच्छा के स्थान पर प्रीतम की इच्छा को मुख्य रखता है। वह अपने मन के कहने पर चलने के स्थान पर खुद की प्रीतम के हुक्म या रजा में राजी रखता है। प्रेमी को प्रीतम का हुक्म मानने और उसकी रजा में राजी रहने में सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है। सत्पुरुष या परमेश्वर का सच्चा प्यार जो मन की सारी मैल धोकर उसको निर्मल बना देता है। संत सदगुरु जगत में सत्पुरुष का प्रत्यक्ष रूप है और वही हमारे प्रेम का सच्चा आधार है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन गुर प्रीत ना उपजे हो मैं मैल ना जाई। सद्गुरु के बिना न मन में प्रभु का प्रेम पैदा होता है न ही होमे की मैल दूर होती है। सच्चा सद्गुरु जीव को उसके साथ जोड़ देता है। जो जो जीव नाम की कमाई करके मन को निर्मल करके रूहानी चढ़ाई करता है,
सत्पुरुष प्रेम का रस प्राप्त होना शुरू हो जाता है। सदगुरु के नूर स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं तो हृदय में प्रेम की ऐसी ज्वाला उत्पन्न हो जाती है कि जो सिवाय प्रीतम की प्राप्ति के किसी दूसरे वस्तु में शांत नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में प्रेमी प्रीतम का एक पल का वियोग भी सहन नहीं कर सकता। इस सच्चे प्रेम की शक्ति के साथ वह रास्ते की सभी रुकावटें पार करके प्रीतम में लीन हो जाना चाहता है। वह परम पिता परम दयालु है, उसने अपने साथ मिलाप के लिए वह आसान साधन निश्चित किया है, जिसे अपनाने के लिए संसार का हर प्राणी समान रूप से योग्य है। न कुछ बाहर से लाना है, न ही किसी प्रकार के कठिन साधन में उलझना है। अपने अंदर पहले से मौजूद प्रेम के भाव को जागृत और उज्जवल करना है। हौ में ना लगने दे, इसलिए कहते हैं हींग लगे ना फिट करी रंग चोखा आए। सिर्फ प्रेम करना और कुछ भी नहीं करना, इस तरह से गुरु घासीदास जी ने प्रेम अर्थात सभी जीवों के साथ, चाहे गर्भ में बच्चा हो उनके साथ भी प्रेम करना है। मैं एक छोटा सा एक कविता गुरु घासीदास जी के बारे में उनके बता देता हूँ। रहैया नहीं है कोई ना, बचैया नहीं है जीव कोई ना, नहीं है ना रहैया नर कोई नहीं है ना, बचैया जीव कोई नहीं है ना, काबर भुलाए सतनाम, रहैया नर कोई नहीं है ना, तन रहत ले खाले पीले, करी सिंगार जगत ला घुमले, बेटी बेटा देवैया नहीं है ना, तुर संग के जवैया नहीं है ना, काबर भुलाए सतना, रहैया नर कोई नहीं है ना, झूठ कपट हत्या झन करबे, जब तक ले भाव सागर चलबे, ये है सतपुरस के धाम, जवैया नर सब कोई है ना, रहैया नर कोई नहीं है ना, बचैया नर कोई नहीं है ना, जियत भर ले मन भर गासे, दुनिया लेते धर धर पासे, यह जुटहावेगा तुर काम, जवैया नर सब कोई है ना, काबर भुलाए सतना, नहैया नर कोई ना जाने, बचैया जीव कोई ना माने, काबर भुलाए सतना, रहैया नर कोई ना गा। सतनाम, इतना कहकर अपना वाणी विराम करता चाहूं। सतनाम। ये बहुत शुक्रिया आज के इस खास एपिसोड में जो बाबा गुरु घासीदास जी की 42 अमृत वारियों पर हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह हम लोग मिलते हैं, अगले हफ्ता हम फिर सब मिलेंगे 21वीं वाणी को लेकर के। और आज की इस परिचर्चा पर जुड़े राजेंद्र बंजारे साहब का, डॉक्टर जीतन जांगड़े साहब का, कामिनी पुरैना जी का और CP जांगड़े साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बाबा गुरु घासीदास जी के इस एपिसोड को पूरा करने में आप सब लोगों का अहम योगदान है। और ये गूगल मीट है, आने वाले समय में ये पूरी विश्व के अंदर में हमारी जो 42 अमृत वाणियां हैं इसको लोग देखेंगे, सुनेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और आज की इस परिचर्चा को मैं दर्शकों से, वाइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों से गुजारिश भी करूंगा कि हमारा बाबा गुरु घासीदास जी की 42 अमृत वाणियां ये एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं और वॉइस ऑफ मानवता चैनल से लगातार आप जुड़े रहे। इन्हीं आशा उम्मीदों के साथ में आज के हमारे सभी मेहमानों का
राजेंद्र साहब का, जांगड़े साहब का, कामनी जी का और चंद्रराम जांगड़े जी का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी का जो अमेरिका से है, और डॉक्टर कृपाल सिंह जी का उनका स्पेशल धन्यवाद कि उन्होंने हमें हर हफ्ता बाबा गुरुहासी दास जी की समृद्ध पारी पर अपनी सौजन्य प्रदान करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सत श्री अकाल, सतनाम, जोहर, जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, धन्यवाद।